ये जो हमारा शोल्डर है, ये हमने फ्रंट का जैसे डाउन किया था, तो ये हमने डाउन किया था हमने 2 इंच, तो इसका भी हमने इस तरह से 2 इंच के ऊपर निशान लग जाएगा। और मेजरमेंट टेप को आपने इस तरह से सीधा पकड़ लेना है, इस निशान से इस निशान तक, ठीक है, ये इस तरह से आप बिछा लेना। और ये 2 इंच का पॉइंट लगने के बाद अप्रोक्सीमेटली 3 सूत का निशान आपको इस तरह से बाहर की तरफ निकालना है, यहां से 3 सूत बाहर की तरफ निशान लगेगा, ये क्लियर। सो माय डियर फ्रेंड्स, कैसा है मेरा यूट्यूब का फैमिली, बढ़िया सब। सो दोस्तों, मेरा नाम है राजा मौर्य और आज के इस वीडियो में हम कटिंग करने जा रहे हैं एक शर्ट का। और कपड़े का सीधा साइड जो है वो अंदर की तरफ रहेगा और उल्टा साइड बाहर की तरफ रहेगा, यानी कि मार्किंग जो है वो उल्टी साइड पे होगा। सबसे पहले मैं आपको इसके साइज से रूबरू करा देता हूं। तो इसका जो साइज है उसका लंबाई है 29 इंच, छाती है इसका 40 इंच, कमर है इसका 36 इंच और राउंड पेट से इसका साइज है 38 इंच और हिप का साइज है 41 इंच, तीरा है 18.5, गला है 16 इंच और बाजू की लंबाई है 26.5 इंच। तो इसी साइज के हिसाब से मैं कटिंग करूंगा। तो सबसे पहले हमने कपड़े की लेयर को टेबल के किनारे पर एकदम सीधा बिछा लेना है, ठीक है। उसके बाद हमें सबसे पहले ऊपर 90 डिग्री का एक लाइन लगाना है इस एल स्केल की मदद से। ये हमें एकदम किनारे पर 90 डिग्री पे रख लेना है और ऊपर सबसे पहले एक 90 डिग्री का लाइन हमें इस तरह से स्ट्रेट लगा देना है ताकि ऊपर से भी कपड़े का लेयर जो है वो हमारा सीधा हो जाए। अब यहां से हमारा क्या है कि यहां पर जो फैब्रिक कुछ भी हम कटिंग करने जा रहे हैं तो यहाँ पे ऐसे किनारा पट्टी होता है ना, तो ये किनारा पट्टी हमारा बीच में ना आए तो हमें उतना जगह जो है ये छोड़ देना है, यानी कि हमें किनारा पट्टी निकाल देना है। मैं यहाँ पे आपको निशान लगा के बता देता हूं, अप्रोक्सीमेटली ये जो है ये हमारा यहां से निकल जाएगा। मैं आपको सीधा लाइन जो है वो लगा के बता देता हूं, क्लियर। ये देखिए, ये यहां से ऐसे नीचे स्ट्रेट हमें एक लाइन जो है ये लगा देना है। ये देखिए, ये यहाँ पे रख के इस तरह से मैं यहाँ पे ऐसे लाइन लगा देता हूं, यानी कि इतना कपड़ा जो है ये हमें छोड़ देना है, क्लियर। अब यहां पर सबसे पहले जो निशान लगेगा वो लगेगा हमारी लंबाई का। तो लंबाई है हमारा 29 इंच, यहां से हमें 29 इंच के ऊपर इस तरह से एक निशान जो है ये लगा देना है। यहां से चेस्ट का, चेस्ट है हमारा 40 इंचेस, तो 40 इंचेस का जो चौथा हिस्सा है वो हो गया हमारा 10 इंच और 10 इंच में से हमने आधा इंच माइनस कर देना है, यानी कि 9.5 इंच के ऊपर ये निशान आएगा। अब यहां पर भी हमें इस तरह से 90 डिग्री का लाइन जो है ये इस तरह से लगा देना है, क्लियर। अगर आपको कोई डाउट लगे आप मेरे को पूछ सकते हो कमेंट के जरिए, मैं आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब सबसे पहले ये जो चेस्ट का पॉइंट लगा है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो घेरे का पॉइंट जो है, जहां पे हमने लंबाई का निशान लगाया था उस पॉइंट के ऊपर हल्का सा आपने इस तरह से ऊपर की तरफ इसको खींच लेना है, यानी कि एल स्केल को थोड़ा सा आपने तिरछा कर लेना है और नीचे अप्रोक्सीमेटली आप लेके चलिए कि आपको 1 इंच 1.25 इंच का ये जो है ये कपड़ा जो छोड़ना पड़ेगा, जो कपड़ा नीचे घेरे पर फोल्ड होता है, क्लियर। यहां से अप्रोक्सीमेटली 2 इंच का, यहां से 2 इंच मैं आपको निशान इस तरह से लगा के पूरा डाउन नीचे तक बता दूंगा ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। इस लाइन से हमें 2 इंच, इस लाइन से हमें 2 इंच, इस तरह से हमें 2 इंच का ये जो फैब्रिक है ये हमें इस तरह से सीधा लाइन लगाते हुए इतना हमें छोड़ देना है। यहां से इस तरह से हमारा सीधा लाइन आ जाएगा, क्लियर। अब ये 2 इंच का क्यों छोड़ना है, क्योंकि हमारा जो शर्ट का पट्टी पेस्ट होगा है ना, यहां पे सेंटर में आएगा ना,
जो पट्टी है उसका सेंटर निकाल के आधा इस तरफ चले जाएगा, आधा इस तरफ चले जाएगा, और ऐसे घुमा के ये जो फैब्रिक है फोल्ड होके उसकी बैक साइड पे चला जाएगा। अब यहां से हमारा जो गले का हल्ला है उसका पॉइंट लगेगा, ये आएगा हमारा 3 इंच के ऊपर, और यहां से आएगा हमारा डाउन ये 2.5 इंच के ऊपर। अब यहां से हमारा जो शोल्डर है वो है 18.5, 18.5 का आधा हो गया हमारा 9.25, और आधा इंच हमारा सिलाई का मार्जिन आ गया, यानी कि 10.25 इंच के ऊपर हमारा इस तरह से ये जो निशान है ये आ जाएगा। और यहां से हमें ये डाउन करना है केवल और केवल 2 इंच, ठीक है, यहां से 2 इंच हमें ये डाउन करना है। और यहां से हमारा चौथा हिस्सा चेस्ट का, चेस्ट 40, 40 का चौथा हिस्सा 10 हो गया, 10 के ऊपर आपका निशान आएगा, और यहां से अगेन ये मेरे को लेना है यहां से 2 इंच के ऊपर, क्लियर। यहां से डाउन नीचे 6 इंच के ऊपर निशान आएगा, ये हमारा पेट और छाती के बीच का जो शेप होता है ये वो पॉइंट है, क्लियर। इसके बाद ये जो है ये इस पे उसका साइज है 36 इंच, 36 का चौथा हिस्सा हो गया हमारा 9 इंच, 9 इंच के ऊपर इस तरह से निशान लगा के यहां से मुझे रखना है 2.25 इंच के ऊपर, ठीक है, यहां से हल्का सा शेप बन जाएगा। अब पेट पर उसका साइज है हमारा 38 इंच, 38 का चौथा हिस्सा हो गया हमारा 9.5 इंच, तो 9.5 इंच के ऊपर इस तरह से निशान आके 2.25 इंच यहां से भी हमें बढ़ा देना है। इसके बाद जो हिप है, हिप का साइज है 41 इंच। शर्ट का साइज लेते समय हिप का साइज जरूर लेना चाहिए, उससे क्या है कि जो फॉल है वो प्रॉपर आ जाती है ना, ना वो लूज रहेगा और ना ही वो टाइट रहेगा। तो यहां से 41 है, 41 का चौथा हिस्सा हो गया हमारा 10.25 इंच, और यहां से केवल और केवल हमें 1.5 इंच बढ़ाना है, क्लियर। उसके बाद ये जो शेप पट्टी होती है इसी की हेल्प के साथ आपने इन पॉइंट्स को आपस में इस तरह से मिला दीजिए, और ये इस तरह से अगर ज्यादा बाहर की तरफ निकल रहा है तो शेप पट्टी को आपको इस तरह से घुमा के यूं करके एडजस्ट करना है, क्लियर। ये हमारा पॉइंट यहां पे इस तरह से बैठ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये जो आर्म होल है इसको हमने इस पॉइंट के साथ इस तरह से मिला देना है, यहां से इस तरह से मिल जाएगा, और ऊपर भी हमारा ये जो शोल्डर का पॉइंट है। अब यहां पर 0.5 इंच, 1 इंच पीछे की तरफ एक पॉइंट लगा के इस तरह से लाइन लगा के आप आर्म होल को ड्रॉ कर सकते हैं, वो मेथड भी ठीक है। अब मैं इस तरह से करता हूं, यहां से हमारा यहां से यहां तक टोटल जितना हमारा लेंथ रह गया है उसका हमने हाफ कर लेना है, ठीक है। हाफ करने के बाद यहां से इस तरफ आपने 0.5 इंच के ऊपर इस तरह से एक निशान लगाना है, और ये जो आपका फ्रेंच कर्व होता है इसकी हेल्प के साथ आपने इसको इस हिसाब से बिठाना है, आपने यहां भी टच करना है, यहां भी टच करना है, और ऊपर शोल्डर वाले पॉइंट के ऊपर भी हमें इस तरह से टच करते हुए यहां पे इस तरह से गोलाई जो है वो बना देना है। ये देखिए, ये जो हमारा शेप है ना, ये वाला, ये एकदम जो है नीट आ जाता है हमारा फ्रेंच कर्व की हेल्प के साथ, क्लियर। अब सेम इसी की हेल्प के साथ मेरे को यहां पर ये जो हमारा गले का हल्ला है यहां पर भी इस तरह से गोलाई बना देंगे। तो ये हमारा फ्रंट का जो मार्किंग है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं केवल और केवल इसका कटिंग करूंगा। कुछ डाउट है, कुछ समझ में आया है, कोई चीज अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक मैं इसका कटिंग कर लेता हूं, फिर मैं बैक किस तरह से कटिंग करेंगे वो आगे एक्सप्लेन करते हैं। तो माय डियर, ये मैंने बैक का कटिंग करने के लिए फैब्रिक को बिछा लिया है। इस तरफ से ऐसे फोल्ड रखना है फैब्रिक, इस तरफ ओपन पार्ट है, और यहां पर हमने जो फ्रंट अभी कटिंग किया है उसको किस तरह से प्लेस करना है वो ध्यान से समझना। अगर आप लोगों को शर्ट की कटिंग के अंदर कुछ डाउट है तो वो आपके क्लियर हो जाएंगे। यहां से हमें
ये जो हमने यहाँ पर फर्स्ट ये जो 2 इंच जगह छोड़ के ये वाला लाइन लगाया था हमने, अब यहाँ से आधा इंच अंदर की तरफ, यहाँ से आधा इंच आपने इस तरह से बाहर की तरफ इसको निकाल लेना है। क्लियर? ये जो आपका नीचे वाले कपड़े का लेयर है ये हमारा इस लाइन से आधा इंच या 1/4 इंच अंदर की तरफ रहना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं और ना ही इससे कम। अब यहाँ पे हमारा ये वाला जो पॉइंट है इस तरह से इसका प्लेसमेंट आ चुका है। और सबसे पहले आपने इस पर ये जो हमने शोल्डर का डाउन पॉइंट लगाया था यहाँ पे इस तरह से एक पॉइंट मार्क कर लेना है, और ऊपर की तरफ हमने नीचे वाले कपड़े की लेयर के ऊपर इस तरह से 90 डिग्री के ऊपर एल स्केल को रखते हुए सबसे पहले हमने ऊपर यहाँ पे 90 डिग्री का एक लाइन जो है इस तरह से लगाना है। क्लियर? इसके बाद हमारा ये जो शोल्डर है अगेन 18.5 का आधा हो गया 9.25, और आधा इंच हमारा सिलाई का मार्जिन यानी कि 0.5 इंच के ऊपर हमारा इस तरह से ये वाला निशान जो है ये आ जाएगा। अब यहां से इस तरह से आर्म होल वाले पॉइंट को, चेस्ट वाले पॉइंट को इस तरह से मिला दिया जाएगा इसी के साथ, और ये जो फ्रेंच कर्व है ठीक इसकी हेल्प लेते हुए हमें अगेन ये वाले पॉइंट को हमने टच करना है और इस पॉइंट को हमने टच करना है, इसका प्लेसमेंट उसी हिसाब से आएगा और यहां से हमें इस तरह से मिला देना है। क्लियर? बैक का मार्किंग जो है इसमें केवल और केवल यहां पर इतना ही निशान लगता है, बाकी बैक जो है फ्रंट के हिसाब से ही कटिंग होता है। तो जिन्होंने वीडियो लाइक कर दिया है तो अच्छी बात है, अगर इस चैनल के माध्यम से कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक मैं इसका कटिंग कर लेता हूं बैक का, फिर बाजू का किस तरह से कटिंग करेंगे, फिर उसके बाद तीरे का किस तरह से कटिंग करेंगे, वो सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके डाउट जो है वो मैं क्लियर कर सकूं। ये बाजू का कटिंग करने के लिए फैब्रिक को बिछा लिया गया है, और सबसे पहले हमने डबल लेयर में फैब्रिक को बिछाते हुए बाजू का कटिंग हमने इस तरह से करना है, यानी कि ऊपर से हमें फैब्रिक जो है ये थोड़ा ज्यादा रखना है, जितना हमारा छाती है उसका 1/4 हिस्सा किनारा पट्टी को छोड़ के, और नीचे अप्रोक्सीमेटली 1.25 इंच या 1.5 इंच जो है इस तरह से किनारा पट्टी को छोड़ते हुए हमें फोल्ड रखना है। अब यहाँ पर ऊपर हमें चेक करना है, यहां से हमारा 10 इंच जो है वो आना भी चाहिए चेस्ट, ठीक है। यहां से हमारा सबसे पहले इस फोल्ड के ऊपर, ये जो हमने फोल्ड किया हुआ है फैब्रिक को, इस फोल्ड के ऊपर हमने एल स्केल को एकदम स्ट्रेट रखना है और कपड़े की चारों लेयर को चेक करते हुए हमें इस तरह से 90 डिग्री का सबसे पहले एक लाइन लगाना है, और यहां से ये डाउन होगा हमारा 4 इंच के हिसाब से, ठीक है। अब किसका कितना डाउन होगा हर साइज के हिसाब से, फॉर्मूले के हिसाब से चेंजेस होते हैं, किसी का 3 इंच होता है, किसी का 3.5, किसी का 4.25, किसी का 4, 4.5, तो ये फॉर्मूले के हिसाब से है। अगर आपको ये सभी चीजें सीखनी है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं किसी न किसी वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दिया जाएगा, ठीक है। अब यहां से हमारा जो है ये चेस्ट का 1/4 हिस्सा यानी कि 10 इंच के ऊपर हमारा ये निशान आ जाएगा, और यहां से हमारा जो बाजू है उसका लंबाई है हमारा 26.5 इंच, तो यहां से 26.5 इंच के ऊपर इस तरह से निशान रखते हुए हमें 1.5 इंच कम कर देना है, यानी कि ये निशान आ जाएगा हमारा 25 इंच के ऊपर, क्योंकि दो नीचे कप भी आएगा हमारा 2.5 इंच का, तो सिलाई का मार्जिन दोनों तरफ से निकालने के बाद हमारा जो रेडी है वो 26.5 बाजू बन जाएगा। अगेन यहाँ पे हमें 90 डिग्री का इस तरह से एल स्केल को रखते हुए, और यहां से हमें अप्रोक्सीमेटली 3 सूत जो है ये डाउन कर लेना है, इस सीधे से 3 सूत नीचे की तरफ डाउन करना है। अब यहां से हमारा ये निशान जो है ये 6 इंच के ऊपर आ चुका है। अब यहां पर एक चीज आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं,
कि जो हमारा ये कपड़ा जो है फोल्ड करके हमने ये निशान जो है अप्रोक्सीमेटली 3 सूत नीचे की तरफ रखना है इस पॉइंट से। अब इसको भी आपने इस तरह से स्ट्रेट जो है ये मिला देना है। मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूं इस बारे में। ये देखिए, जब कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे ना, तो यहां से और यहां से इस तरह से पकड़ के आपने ऊपर इसके साथ बिठा देना है और नीचे आपने इस पॉइंट के साथ बिठाना है जो आपने 6 इंच वाला निशान लगाया। इस तरह से अगर आप जब बिठाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखिए, ये वाला निशान जो है, जो हमारा फ्रंट का जो हमने इस तरफ फोल्ड की तरफ ये जो जहां से बाजू की लंबाई का निशान लगाया है, वो ठीक उसके सामने इस तरह से बैठ जाएगा। इसलिए हमें ये यहां से जो है 3 सूत नीचे रख देना चाहिए। उससे क्या है कि बाजू टेढ़ा नहीं होता है, खिंच नहीं पड़ता है किसी तरह का। अगेन शेप पट्टी की हेल्प के साथ इस तरह से हमें शेप बना दी जाएगी। ये तीरे का कटिंग करने के लिए मैंने फैब्रिक को बिछा लिया है और ये फैब्रिक एकदम सीधा 90 डिग्री के ऊपर हमारा इस तरह से बैठना चाहिए। और नीचे की तरफ सबसे पहले हमें ये जो हमारा नीचे वाला लाइन है, यहाँ इस पे 90 डिग्री पर एल स्केल को इस तरह से इस फोल्ड के ऊपर रखते हुए हमने सबसे पहले 90 डिग्री का इस तरह से एक लाइन जो है ये नीचे से लगा लेना है, ताकि हमारा कपड़े का लेयर जो है वो हमारा सीधा हो जाए। अब यहाँ से हमारा जो तीरा है वो हमें लगाना है 18.5 के हिसाब से, यानी कि आधा हो गया 9.25 और 10.5 इंच के ऊपर हमारा ये वाला पॉइंट इस तरह से बैठेगा। अब तीरे का जो चौड़ाई है वो कितना रखना है, तो इस तीरे का चौड़ाई जो है ये आएगा हमारा 5 इंच और 1 सूत। ये भी फॉर्मूले के हिसाब से है, किस साइज में कितना तीरा लगता है, ये सभी उसी की तरह बातें हैं ये सारी। तो ये सभी फॉर्मूले जो हैं, अगर आप जानना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं वाकई में, आप कमेंट में लिख दें ताकि मुझे थोड़ा आइडिया हो जाए कितने लोग सीखने वाले हैं, और मैं उसके ऊपर टॉपिक के ऊपर वीडियो जो है बहुत जल्द बना दूंगा। कम से कम 10-15 लोग तो उस टॉपिक के ऊपर अगर जानना चाहेंगे तो जरूर बना दिया जाएगा। अब हमारा यहाँ पर जो गले का हल्ला है वो हमने जैसे फ्रंट में 3 इंच रखा था, तो यहाँ बैक पर भी हमें 3 इंच ही रखना है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया, अगेन जितना हमारा ये पार्ट था उतना ही हमने इस पार्ट को मार्क कर लिया है। अब ये जो हमारा शोल्डर है, ये हमने फ्रंट का जैसे डाउन किया था, तो ये हमने डाउन किया था हमने 2 इंच, तो इसका भी हमने इस तरह से 2 इंच के ऊपर निशान लग जाएगा। और मेजरमेंट टेप को आपने इस तरह से सीधा पकड़ लेना है, इस निशान से इस निशान तक, ठीक है, ये इस तरह से आप बिछा लेना। और ये 2 इंच का पॉइंट लगने के बाद अप्रोक्सीमेटली 3 सूत का निशान आपको इस तरह से बाहर की तरफ निकालना है। यहां से 3 सूत बाहर की तरफ निशान लगेगा, ये क्लियर। इसके बाद ऊपर से हमने शोल्डर को इस तरह से नेक के साथ ज्वाइन कर दिया, और ये जो हमारा पार्ट है ये वाला, ये हमने इस तरह से, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, और ये जो गले का हल्ला है ये हमारा यहां से डाउन होगा अप्रोक्सीमेटली 1.5 इंच से 1 सूत कम। अगेन आप इस तरह से फ्रेंच कर्व की हेल्प लेके आप इस तरह से गोलाई जो है वो बना लीजिए, ठीक है। और ये हमारा जो तीरा है उसका उल्टी साइड का ये जो निशान है ये आ चुका है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अभी। ये देखो, ये हमारा 5 इंच और 1 सूत तीरा जो है ये कट के रेडी हो जाएगा। तो यहां से भी आपने थोड़ा सा बाहर रखना है, तो ठीक है। फिर मैंने कोशिश की है अच्छे से बताने की,
तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबा के सिलेक्ट ऑल कर लेना। उससे क्या है कि जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, अदरवाइज आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा मेरे भाई, चाहे आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा हो। तो ठीक है, फिर मिलते हैं बहुत जल्द किसी अगले नए वीडियो में, तब तक दीजिए मुझे इजाजत।